اوف يلا ये लीजिए। आपने कहा नमाज के लिए आपको काबा की तरफ डायरेक्शन करना है, राइट? काबा की तरफ रहना है जी, काबा की तरफ रुख करना है, राइट? यस। अपनी धरती, धरती समझते हो ना, दुनिया अपनी, हाँ, अर्थ, अर्थ। अरे वाह, सिक्स की पढ़ाई की है और आपको अर्थ वर्थ पता है, ये तो अच्छी बात है। अर्थ गोल है या चपटा है? अर्थ स्पिरिचुअलशिप में, स्पिरिचुअल पूरा पूरे 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 तरीके से राउंड भी नहीं है, मतलब हल्का सा चपटा है, हल्का सा चपटा है, मतलब पूरे तरीके से राउंड भी नहीं है। ओके, स्फेरिकल आसपास। हाँ हाँ भाई, गोल, गोला, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सऊदी के दूसरे साइड, यानी अर्थ का जो दूसरा हिस्सा, अपोजिट साइड में, हाँ एकदम, हाँ एकदम, तो वहां पे है अमेरिका, कनाडा, हाँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब वो लोग जब भी फेस करते हैं जमीन पे नमाज के लिए, तो किसी भी हालत से काबा की तरफ डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर आपको ये देखना है तो मैं जब आपको गोला बताऊंगा, आप कैमरा ऑन करें, आपका गोला जरा दिखाए, वो अर्थ का जो हाथ में लेके घुमा रहे थे ना, 2 घंटे से करा, अभी तक नहीं लिया, अभी जाके लिया। हाँ हाँ जी, तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया, ये साइड, हाँ, और ये साइड है, ये देखिए, ठीक है। हाँ, तो जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा, ठीक है। काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा, वो आपके हिसाब से है ना? अच्छा, ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये साइंस और ये चीज के हिसाब से। अभी आपकी साइंस, साइंस के हिसाब से आपसे समझाता हूँ, साइंस के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ओके, समझाओ। आपका हुआ? हो गया, मेरा हो गया, मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो वायर का लाइन होता है ना, या इलेक्ट्रिकल वायर का लाइन, तो आप उस वायर को जितना भी राउंड करो, वो जब उसके अंदर करंट जाएगा, वो सीधा नहीं बारेगा, वो राउंड घूम घूम के उसका वायर के साइड से ही जाएगा ना, करंट का लाइन। करंट तो एनर्जी जो है वो उसके वायर के अंदर जो क्या बोलते हैं आप लोग, स्टील होता है ना, उसी के, वो राउंड है तो वो राउंड को फॉलो करके ही जाएगा ना, या वो सीधा बाहर चला जाता है। क्या क्या, ये वायर कहाँ से आ गया इसमें, क्या वायर के अंदर? मैं समझा रहा हूँ, आप, आप मेरा बात का जवाब दे, आप बस मेरा बात का जवाब दे, किधर से आया, कहाँ से आया, वो बात नहीं है। एक जब एक वायर, आप बस मुझे जवाब दे, हाँ या ना। हाँ हाँ, कैसे कैसे बताओ। एक मिनट, एमटी साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है तो मैं आपको ले नहीं पाऊंगा, डिवाइस कनेक्ट करिए। हाँ भाई, वायर के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है उसको अगर आप किसी, मैं पेंट ले लूं, पेंट पेंट ले लूं? हाँ हाँ, पेंट लीजिए। ओके, ये पेंट आ गया। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये ऐसा जा रही है, इसको राउंड करें, राउंड करें। अच्छा, राउंड, ये सीधा वाला इलेक्ट्रिकल वायर नहीं चलेगा? नहीं, मैंने सीधा चलेगा, सीधा आके राउंड करके फिर जाएगा। नहीं नहीं, ये वायर एक सीधा गया है तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वायर आया है ना, सीधा लेके बीच में से राउंड करके फिर आगे लीजिए। अरे सीधे में क्या होता है और राउंड में क्या, दोनों में क्या फर्क है, ये समझाएं। आप करेंगे तो मैं समझाऊंगा ना, आप कर लीजिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये सीधा वायर है और एक एक राउंड वायर है, हाँ, क्या है दोनों में? आप समझ नहीं रहे मेरा बात, मैं बोल रहा हूँ जी, वो सीधा जो वायर लिया है ना, वो बीच में सेंटर में जो है ना, वो एक राउंड बॉल का जैसा बना दीजिए, बस राउंड बॉल बनाया ना, इधर ये तो ना गोल बनाया ना इसको, ये वायर को गोला कर दिया मैंने, आउट में नहीं, वो जो सीधा वायर दिया है ना आपने, उसी में। अरे हाँ ना भाई, इसी को इधर गोल कर दिया अभी,
चलो ठीक है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। हाँ अब आपने, आप क्या अच्छा, बोल रहे हो जब इलेक्ट्रिशियन हम, तो नहीं आप? नहीं मैं ऑलराउंडर हूँ, सब काम ही करता हूँ इधर। भाई भाई अरे समझ गए, भाई साहिल भाई सही जा रहे हो आप। नहीं, ओके बात सुनो, चलो, बात सुनो, हाँ ठीक है, आगे आगे। ओके हाँ ये जो वायर है तो इधर से जो एनर्जी जाएगा, करंट जाएगा, वो हाँ राउंड होके जाएगा या आपके हिसाब से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा सीधा? अबे वो राउंड और सीधा नहीं होता है, वो जो जिस तरीके से भी जाएगा, जैसा वायर है वो उस हिसाब से जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वायर जिस हिसाब हाँ से है करंट उसी हिसाब से जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो क्योंकि वो उसका जो एनर्जी है वो वायर के साथ लिंक होता है। अरे तो आगे तो हम, क्या, तो ये हमा सीधा अभी है, देखकर देखो, अभी ये हम जैसा वायर सीधा है तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, करंट हाँ, अब अगर पास राउंड कर होगा। दोगे तो, अब राउंड कर दोगे तो राउंड राउंड होकर ही जाएगा, करंट सीधा नहीं जाएगा, राउंड हाँ, होकर ही और जाएगा। स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर होके ही जाएगा। हाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होकर ही जाएगा। ओके, तो ओके अब हाँ, इससे किबले का क्या है? अब किबले, किबला जो है वो हर एक मुसलमान का एक मतलब लिंक का जैसा है, करंट का जैसा है, एनर्जी का जैसा है। हम जब सजदा करते एनर्जी हैं, कैसा हम जब सजदा करते हैं, आप करंट को महसूस, आप क्या बोलते हैं, करंट को आप प्रूफ कर सकते हो, दिखा सकते हो बिजली को, या आप, आपको जब कोई मारता है? है दर्द होता है, आप क्या, आप महसूस कर रहे, रुक जवाब नहीं, जवाब दो भाई, हंसने का नहीं, जाओ, जवाब दे सकते हो दो। ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम। हाँ ये बताओ, अभी जो तुम बोल रहे थे वो पहले कंप्लीट करो। हाँ, आपका जो किबला होता है वो क्या होता है? एनर्जी होता है। वो हमारा है, मतलब हम, वो एक लिंक है, उस तरफ क्या होके है? हम लोग नमाज, उस तरफ होके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हाँ ओके, उसके फिर साथ हमारा एक कनेक्शन है, ठीक है ना? ओके, कनेक्शन है। तो हाँ हम जब, फिर हम जब सजदा करते हैं जमीन में, तो हम डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं चला जाता है हमारा सजदा, हाँ वो घूम के हाँ उधर ही जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारा किधर? कनेक्शन है, वो घूम के काबा की तरफ ही जाता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, किबला के साथ हमारा कनेक्शन है। अरे बाप रे, साजिद असला मैं कब से हंसने के लिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, और अभी को मुझे मौका मिला हंसने का। देखो ये कुछ अश्लील ड्राइंग नहीं लग रही है यार? ये नहीं, ये किधर से असली है भाई? भाई लोग ये देखो, जिस तरीके से वायर में से करंट पास होता है, ठीक है, क्योंकि आस्था है, वो वायर के अंदर की आस्था है। वो तार के हिसाब से वो गोल भी घूमता है, स्क्वायर वो भी उसका, जाता है। उसका कनेक्शन ही उसके साथ है ना, वायर के साथ उसका कनेक्शन है, हाँ वो जिधर से भी जाए, वो जिधर से भी उसका नहीं, शेप दे दो, वो ऐसे ही जाएगा ना। तो जिधर अर्थ, आप से अर्थ भी जाएगा, राउंड जिधर, हो, स्क्वायर हो, फ्लैट हो, जैसे भी हो, हमारा अरे कनेक्शन है काबा अरे, के साथ। मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मैच नहीं होगा, कनेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता है। राइट अच्छा, ये जो करंट पास होके जाता है किधर जाता है? अरे मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले सवाल का जवाब दो। बोलो, डायरेक्शन मैच नहीं होगा, क्या आप मानते हो? दोनों मैच होगा भाई। अच्छा, डायरेक्शन कैसे मैच होगा बताओ। अभी मैंने आपको कैम ओपन करके मैंने बताया था कि जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हो और आप जब मस्जिद में होते हो, जमीन पे होते हो, किसी भी तरीके से किसी भी तरफ आप मुंह मोड़ लो, आपका किबले की तरफ जाएगा ही नहीं डायरेक्शन। आपने बताया डायरेक्शन भी जाता है, कैसे जाता है बताओ। अरे वही तो इसमें ये मैं बोल रहा हूँ, ड्राइंग में हमारे, अश्लील किसको लग रही है, क्यों लग रही है, तो उसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। हाँ भाई कैसे नहीं जाता है बताओ। लेफ्ट लेफ्ट राइट मैं गोला क्या, है ना दोटो, इसीलिए हाँ बोलो कैसे जाता है। मैं ना, मैंने आपको क्या ये बोला, हमारा कनेक्शन है अभी काबा के साथ। तुमने कहा कि डायरेक्शन भी जाता है, बताओ डायरेक्शन कैसे जाता है? ये इधर सऊदी है, 1 मिनट रुको, ये सऊदी है और इधर यूनाइटेड स्टेट है, ये देखो। हाँ कैसे हाँ जाता है, डायरेक्शन तो कैसे जाता है? जब हम लोग, जब उस तरफ से, जब काबा की तरफ वो रुक करते हैं, काबा वो की तरफ कनेक्शन, रुक हो ही नहीं रहा है, काबा की तरफ कैसे रुक होगा? अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था, यहां धरती चपटी नहीं है। आप यहां पे अगर नमाज पढ़ रहे हो इधर, तो ये या तो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सब
सब जगह पे जा रहा है लेकिन इस साइड नहीं जा रहा है। हमारा जो बॉडी के रुख है वो उसी तरफ है ना। एक मिनट, मेरा प्यारा भाई जो है हुज्जतुल मुर्तदीन ये चैट में पधार चुके हैं, क्या बात है, वेलकम। हाँ, स्पेस नहीं मिल रहा यार, बड़ी मुश्किल से मैंने बेबी देखी। अरे जैसे आज असल में मोमिनों की लाइन लगी हुई। ये खान साहब को तो मैं निकाल देता हूँ, इसको दो गाली दिया था मैंने, इसको अच्छे से बात नहीं करना। मैंने एक जगह बना से हम लोगों ने भी सुना। पहल भाई मैं भी बेस्ट ट्विस्ट से देखता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके जॉली ले लेता हूँ, आप वहां से समझिए कि किस तरीके से कनेक्शन जुड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बताओ, ये लो ये कहाँ गया, सऊदी बार बार घूम जाता है। हाँ बताओ, ये तुमने कहा डायरेक्शन भी मैच होता है, कैसे मैच होता है? हम लोग का जब हमारा सर किस तरफ देते हैं, हम लोग उसी काबा की तरफ देते हैं ना, सऊदीया की तरफ ही देते हैं। कैसे जाएगा काबा की तरफ मेरे भाई, तू तू चपटी धरती पे नहीं है, तू गोला धरती पे है। तो गोल को लेकर ही मैं बोला ना कनेक्शन का बात, गोल राउंड को लेकर। सुन, ये देख ये देख, ये तेरा सऊदी इधर है राइट। हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट है इधर, ठीक है। हाँ, जब ये यहाँ पे नमाज पढ़ेगा तो इसका अगर इस साइड मुंह रख के पढ़ता है सामने, तो ये इसकी नमाज जाएगी इस साइड, डायरेक्शन इसका जाएगा। हाँ, इस साइड। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपके हिसाब से ऊपर जाएगा, हमारे हिसाब से कनेक्शन है, वो घूम के उधर ही जाएगा। अच्छा, ऐसा तेरा घूम के इस साइड आता है। हाँ, काबा की तरफ ही आएगा। ये बोल रहा है। अरे फुल बैक स्टेज, एक मिनट को मैं हमारे भाई के लिए बना देता हूँ, रुक जाओ, आ जाओ, आ जाओ गाइस। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इसका इनका जो कनेक्शन है डायरेक्शन, अबे ये कैसे लोग हैं बे, आज एडम को आने नहीं देना चाह रहे यार, एक जगह बना दो। है बना दिया, काफी काफी कॉमेडी मिस कर दी लाला जी ने। अच्छा हाँ, तो देखो गाइस, ये इनका ऐसे जाता है, ऐसे घूम के जाता है भाई, लेकिन ये डायरेक्शन तो मैच नहीं हुआ ना, ये ऐसा डायरेक्शन तो काबा को फेस नहीं हुआ ना उसके। मैं तुमको बताऊं कॉल ऑफ इस्लाम, मैं बताऊं कैसे कर सकते हो तुम, बताओ। ये जितने यहाँ वाले तुम लोग मोमिन लोग है ना, तुमको क्या करना चाहिए मालूम है, तुम लोग की जो पिछवाड़ी है ना, मैंने आपको बोला था कुछ गलत नहीं बोलने का, आप फिर से बोल रहे हो, सही से बात करो ना। अरे भाई पिछवाड़ी तुमको सही बता रहा हूँ, जो तुम्हारे अल्लाह ने नहीं बताया वो बता रहा हूँ। ये देखो क्या करना है मालूम है, सुनो, ये देखो, ये साला आज मोमिनों की भरमार है, लाला को आने ही नहीं देना चाह रहे, स्टूडियो फुल जिहाद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं बताता हूँ तुमको कि कैसे कर सकते हो, ये सऊदी अरेबिया इधर है और यहाँ तुम कर रहे हो, अगर डायरेक्शन में जाना है मतलब डायरेक्शन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ये देखो ऐसा पार होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको नमाज पढ़ना है इस एंगल में, यानी अपने पैरों को ऊपर कर देना है और सर को नीचे करना है, जैसे पाद मारते हवा घूम के जाती है, समझे अभी के नहीं समझे? समझा नहीं तुम्हारा बात। अरे भाई ये इधर से इधर आने के लिए तुम्हारा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, तीर के वो मूवी नहीं देखा है, धरती को चीर देंगे, धरती को चीर के जाएंगे, तो इस तरीके से तुमको धरती को चीर के अपना डायरेक्शन बनाना है। तो पैर ऊपर करो, सर नीचे करो, और उस एरिया में उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको जाओगे, तब जाके आपका डायरेक्शन फेस होगा किबले की तरफ, वरना नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा लाला जी कह रहे 200 बार इन्होंने ट्राई किया, बार बार निकल जा रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने
मैंने आपको वायर का बात इसलिए तो बोला ना, वायर का कनेक्शन उधर के उसका मेन लाइन के साथ है, उधर ही वो जाएगा घूम फिर के। तुम्हारे इसलिए मैं बोला हमारा कनेक्शन काबा के साथ है, वो घूम फिर के उधर ही जाएगा। एक मिनट, तुम्हारे अल्लाह ने डायरेक्शन की बात की है या कनेक्शन की बात की है? दोनों की बात की है। ये ऐसा क्यों लग रहा है इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अली साहब हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली इतना कनेक्शन बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुन मुताबिदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार अभी वायर की बात सुनी या नहीं सुनी एडम साहब आपने? वही सुन के मैं पिछले 20 मिनट से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इमाम मस्जिद होरों के सौदागर। देखें साजिद साहब, पंखा कहाँ पे लगा होता? मोमिन हो चुके हैं बैठ के। पंखा कहाँ पे लगा होता है साजिद साहब? पंखा, हाँ सीलिंग फैन या कौन सा वाला? सीलिंग फैन कहाँ पे लगा होता? हाँ, छत पे। मुझे बताइए उसको चलाने के लिए बटन कहाँ पे प्रेस करते हैं? दीवार पे लगी रहती है, उसको प्रेस करते हैं। तार कहाँ पे होती है? दोनों से कनेक्ट रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस्लाम सही साबित हो गया। आज इस्लाम साबित कर दिया एडम ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप इतना सामान लाइए, मैं पकड़ के इमाल लाता। हाथ लाइए, मैं इमाल लाता। मैं आप मेरे हाथ पे चुम्मी कर दें और कॉल ऑफ इस्लाम, पहली गाली माफ, दूसरी गाली पे मैं वो करूंगा तेरे मोहम्मद की, तू याद करेगा। तुम मेरे मोहम्मद को लेकर बात करेगा, मैं तुम्हारा यसू को लेकर बात करूँ। तुम नहीं करो, मैं नहीं करूँ। पहली गाली तुम निकाल चुके हो। पहली गाली तुम निकाल चुके हो, दूसरी माफ नहीं करूंगा। पहली निकाल चुके हो तुम। बोलो हम नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलो हम भी नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना? मैंने आप रिस्पेक्ट करेगा तो हम भी रिस्पेक्ट। आप आके उल्टा सीधा बात शुरू किया। फट मत, आपको कोई कुछ बोला था? यहाँ पे रसूलुल्लाह की बात हुई, सलाम को लेकर गलत। सुनो, कॉल ऑफ इस्लाम, यहाँ पे एडम ने उल्टा आपका पॉइंट पे सपोर्ट किया आपको, जो वायर वायर वाला दे रहे थे वो उल्टा और अच्छे एग्जांपल के साथ, तो आप उनको फिर क्यों गाली दी है भाई? उसका ये, उसका क्या, उसका तो क्या? वो उसको क्या बोलते हैं, उसको नेगेटिव तरीके से वो बोल रहे हैं ना। एग्जैक्टली, मतलब एक हिसाब से गाली गाली तरीके से, वो गाली देने के लिए बोल रहे हो। एक मिनट कॉल ऑफ इस्लाम, एक मिनट। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चला कि जो एडम जो मिसाल दे रहा है इससे एकदम चुतियापा नजर आ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने भी वही मिसाल दी और मैं भी जितने लोग देख रहे हैं उनके सामने एक चुतियापा पेश कर रहा हूं मैं इस्लाम को बचाने के लिए। नहीं, आपको नहीं, अभी कैसे आया, लेकिन अपनी बात नहीं समझ में आई आपको कि आप यही एग्जांपल दे रहे थे थोड़ी देर पहले? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। हर एक चीज का एक नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव, वो अगर मुझे ये सही से पॉजिटिव तरीके से बताता था, कोई मजाक नहीं करता, वो अलग बात था। तो उसने गंदे तरीके से बताया ना, उसने गलत तरीके से बताया ना, वो गुस्सा दिला रहा था। क्या गलत तरीके से बताया भाई? इंसान के बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है वो क्या बोलना चाहते हैं। कि पंखा कहाँ पे रहता है, मैंने बोला छत पे, उन्होंने कहा इसका स्विच कहाँ पे रहता है, मैंने दीवार पे, फिर उसका वायर कहाँ रहता है, दोनों से कनेक्टेड रहता है, ऐसे ही ना बताया था। तो गलत तरीका क्या था इसमें कॉल ऑफ इस्लाम? यार तुम लोग इतना इनसेंसिटिव क्यों हो, नहीं सॉरी इनसेंसिटिव, इतना सेंसिटिव क्यों हो तुम लोग? तुम लोगों का नाम क्यों खराब है मालूम है कॉल ऑफ इस्लाम? कॉल ऑफ इस्लाम बताओ, तुम लोगों का नाम क्यों खराब है मालूम है? आप लोगों की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप लोगों को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। या नॉर्मल चल रहा है ना, रसूलुल्लाह का बात आई, कुछ भी नहीं आया जो एडम ने बोला, तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि उसको गाली दी आपने। मैंने तो सुना भी नहीं, लेकिन मैंने क्या गाली दिया? कुछ तो भी दिया रहेगा, तभी एडम साहब ने आपको फर्स्ट वार्निंग दी है।
मैंने क्या दिया उनको बोलो ना। मैं रिपीट वो नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद को डालकर रिपीट करूंगा। करूं? नहीं 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 जो तुमने बोला मोहम्मद को डालकर रिपीट करूं चलेगा? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना कॉल ऑफ इस्लाम। ठीक है ठीक है, मत करो प्लीज ऐसा। ठीक है ओके ओके। तो मतलब अभी मुद्दा यही है कि आपका डायरेक्शन जो है वो काबा के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। वो कनेक्शन आप कितना भी जोड़ लो, फैन और वो बटन की तरह। यानी जितने लोग देख रहे हैं आप सोचो कि यानी इधर डायरेक्शन को प्राइम फोकस बनाना ये महज एक बेवकूफी, नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल चीज है। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन को रखना ही नहीं चाहिए था। कनेक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर कनेक्शन किसी तरीके से भी जुड़ जाता है तो कनेक्शन को डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना बोल देता कि भाई कोई एक मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप वो सारे जन क्या बताया जाता है? बताया ये जाता है कि डायरेक्शन एक इस वजह से है ताकि अपने अपने हिसाब से लोग नहीं पढ़े, एक इधर खड़के के। तो भाई ये कह देते अल्लाह के रसूल, अल्लाह ये कह देता कि आप जिस मस्जिद में खड़े हुए हो नमाज पढ़ने वाले हो वो सारे के सारे एक डायरेक्शन फिक्स कर लो और उस हिसाब से नमाज पढ़ो। क्योंकि आपने जो डायरेक्शन सेट किया है वो गोल धरती पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हाँ आपकी हिसाब से धरती चपटी है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप समझ रहे कॉल ऑफ इस्लाम साहब? सर मैंने पिक्चर रख दिया आपके सामने। मैं ये जो है मैंने आपको बोला ना कनेक्शन घूम फिर के वही पे जाते हैं ना यार। ये नहीं सुनेगा, ये नहीं समझेगा, ये किसी और को ले ले यार जिसका दिमाग तरफ से चलता हो। कॉल ऑफ इस्लाम मैं कनेक्शन की मैं यही कह रहा हूँ आपको भी कि कनेक्शन के लिए फिर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है। ये देख लो तुम्हारे सामने मस्त फोटो एकदम रख दिया मैंने, इसलिए मस्त फोटो रख दिया। और मैंने तो असल गोले के सामने बताया इनको। लेकिन तुमने मास्क भरा वी फॉर वेंडेटा का पहना हुआ, खैरियत है। लेकिन साहिल ये बात है कनेक्शन की, तुम क्या जानो मुर्तद समझे कॉल ऑफ इस्लाम। भाई आपके अल्लाह को ये चीज पता ही नहीं थी ना रसूलुल्लाह को पता थी कि डायरेक्शन का रखना ये बड़ी बेवकूफी है कि ये पता ही नहीं है। इस बारे में गौर करना कॉल ऑफ इस्लाम। नहीं साहिल असल में इसके नीचे एक मैसेज भी है इस पिक्चर के, ये मैसेज पढ़े बाप। मुस्लिम प्रेयर ओनली मेक सेंस इफ द अर्थ वॉज फ्लैट। ये अर्थ फ्लैट नहीं मानते ना लेकिन नीड्स टू प्रे। नहीं इट ओनली मेक सेंस इफ द अर्थ इज फ्लैट। काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना पूरी दुनिया में हर किसी तरफ से सिर्फ तब सेंस करता है अगर दुनिया फ्लैट हो। अगर दुनिया फ्लैट नहीं है तो आप हर लोकेशन से काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है कॉल ऑफ इस्लाम भाई, ठीक है इसको लेकर सोचेंगे। जिनके पास इन सब चीजों को लेकर जिसके पास इल्म है उसके साथ बात करके फिर जवाब देंगे। तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं जानूंगा कौन कौन है अभी ऑनलाइन में बहुत से स्कॉलर्स होते हैं ना, उन लोगों से पूछूंगा। बिल्कुल सही जवाब मिलेगा तो फिर आप लोगों से बात करूंगा। जैसे मैं तो अभी अभी आया हूँ ना इस्लाम में, मुझे तो उतना कुछ नहीं पता है, जब इल्म हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा। लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है ये कुरान में साफ साफ बोला हुआ है। मैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये नहीं, मैं स्क्रीन देखो, मेरा बात खत्म करने दीजिए। लेकिन स्क्रीन देखो एक दफा। हाँ आप ये देखो, एक आपके पास है फ्लैट अर्थ लेफ्ट साइड पे, काबे के डायरेक्शन को लाल रंग से जाहिर किया गया है। एक आपके पास है गोल अर्थ राइट साइड पे, गोल अर्थ के अंदर आप काबे के डायरेक्शन में नमाज पढ़ नहीं सकते क्योंकि गोल है। वो तब पढ़ सकते हैं जब आप अर्थ को फ्लैट करके कर दो जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेकिन अर्थ तो फ्लैट है नहीं। अगर फ्लैट नहीं है तो काबे के डायरेक्शन में आप नमाज पढ़ नहीं सकते। तो वो तीर का निशान वो मतलब हर वो बराबर आ रहा है ना, मैं जैसे बोलता राउंड करके आ रहा है। वही तो उन्होंने दिखाया ना, वही तो उन्होंने फ्लैट करके दिखाया ना। जब उन्होंने गोल किया है तो वो सर्कल में चलेगा, जैसी मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी। ये देखो जब हम गोल करके देखेंगे, दुनिया को गोल करके देखेंगे तो तीर का निशान आपको कर्व लगाना पड़ेगा। अगर आप कर्व नहीं लगाते हो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में तो बाहर निकल जाओगे, खला में नमाज पढ़ रहे हो, सैटेलाइट की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो,
चांद की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो, मून की तरफ देख के नमाज पढ़, काबे की तरफ नहीं देख के नमाज पढ़ सकते। मतलब काबे के सामने जो होगा वही उसकी तरफ, हाँ सिर्फ जो काबे के सामने होगा वो काबे की तरफ देख के नमाज। अभी समझे ना भाई आप, कॉल ऑफ इस्लाम देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, कॉल ऑफ इस्लाम अगर सच्चाई हमारे खिलाफ भी क्यों ना हो भाई, हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए। नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं तो मेरे अंदर पहले मैं शॉर्टकट लिया आपको बता दूं, मेरे अंदर इस्लाम का कुछ भी नहीं था, बस नाम का मुसलमान था, मुसलमान घर का था, लेकिन जब से मैं इस्लाम को सही से फॉलो किया ना, मेरे अंदर मालूम नहीं, मैं अजय मतलब क्या बोलते हैं बाहर से एक मतलब एक शांति, शांति बोलते हैं ना, एक फील, अच्छा फील होता है, इसीलिए तो वही है ना, वो प्यार है, वो प्यार है ना। आप मेरे दिन को लेकर बोलेंगे तो, अब अगर मैं आपके दिन को लेकर बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। आपने 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 आपके हजारों वीडियोस में गाली देते हैं हमारे पैगंबर को, ठीक है ना, आपके पैगंबर तो वो सब तो जो बोला सत्य बोला, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बोली हो और वो इस्लाम के स्क्रिप्चर से साबित ना की हो। कल मैं समीर के चैनल, समीर के साथ था, उसके साथ मैं तो अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन दूसरा एक आदमी था, उसने मोहम्मद समीर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बोला था, वो बंदा कुछ, मैंने पूरी दुनिया का ठेका लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया का ठेका लिया, नहीं मैं आप सबका बात कर रहा हूँ, आप चेंज नहीं करो टॉपिक, अभी बोलता है ना तो डोंट चेंज द टॉपिक विद मी, मेरे से टॉपिक चेंज नहीं करो। मैंने तुम्हें कहा है कि आज तक मैंने मोहम्मद को गाली नहीं दी, जो बात मैंने निकाली है मुंह से उसे सत्य साबित करके दिखाया। गाली कौन सी दी, गाली दी है ना आपकी बहुत से वीडियोस में भाई, एक दो वीडियो गाली बताओ, एक बार एक गाली बता दो उनमें से, सब में से जो मैंने साबित ना की हो बात। सबर, सबर किया, वो आप लोग बोलते हो ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपनाइजर है, ये सब तो ये सब गंदी बातें हैं ना, ये कुछ आपके हदीसों में लिखा हुआ है ना, वही तो कह रहा हूं, अगर वो चीज आपके हदीसों में साबित होती है, किधर लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपनाइजर थे, ऐसा बात नहीं लिखा है कहीं पे भी। ओपनाइजर की ट्रांसलेशन क्या होती है, जो औरतों के सर पे अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा। हाँ, तो अगर तो वो कौन सा बाहर की औरत की तरफ गए थे, वो अपने अपने बीबी के पास गए थे ना। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि बाहर की औरत की वजह से हजरत का खड़ा हो गया तो वो हमें सिखाने के लिए था ना कि तुम्हारे पास बीबी मतलब है, तुमको अगर है? बाहर की औरत भी औरत है, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बीबी है वो भी औरत ही है, तो बाहर की औरत को देख के अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह की फील हो तो तुम अपने बीबी के साथ कुछ देर वक्त गुजारो, ताकि वो जो भाई वसवसा है वो तुमसे दूर हो, वही सिखाने के लिए हमने ये सब किया ना। तो खड़ा हुआ ना उनका, वो सब नहीं हुआ, उनको बस फील हुआ है, सीधी सी बात है, तो उनका खड़ा हुआ तो बाहर औरत के बाहर की औरत देख के। टॉपिक को छोड़ो भाई, तुम लोगों से बात, आपने टॉपिक आपने शुरू किया है, अब बाहर की औरत को देख के अगर उनका खड़ा हो गया तो इसका मतलब वुमनाइजर है, इसी को तो वुमनाइजर कहते हैं और किसे कहते हैं।